आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास थ्री ई वी एस एन सी आर टी बुक का चैप्टर नंबर फोर माय फर्स्ट स्कूल पहले हम इस लेसन को करेंगे और फिर हमारे एन सी आर टी बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लास्ट में करेंगे बच्चों हम स्कूल में बहुत सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है वो है हमारी फैमिली हम अपने फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं हम अपने और अपने परिवार के सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं और हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं तो आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और थोड़ा बात करें बच्चों हम ये जो आप देख रहे हो तस्वीर में ये हमारी माँ होती है जो बचपन में क्या होता है अपनी माँ के साथ हम जुड़े होते हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी माँ से जुड़ी होती है आपकी माँ आप आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है इसके अलावा आपके पिताजी जिसके साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो तो हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है कोई स्कूल नहीं होता ये हमारा घर होता है हमारा परिवार होता है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो जब आप बीमार होते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको चेकअप करता है जब आप बोल नहीं सकते हो तो आपके पेरेंट्स आपकी सब कुछ समझ जाते हैं कि आपको भूख लगी है या आपको प्यास लगी है वो बिना कहे आपकी सारी बातें समझ जाते हैं और इस तरह से आपका सीखना वहीं से शुरू हो जाता है आप सोचो कि जब आप दुखी होते हो तो आप किसके पास जाते हो या फिर अगर आप सोचो सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस चीज़ से मिलती है आपके माँ माता पिता वो समझ जाते हैं कब आपको भूख लगी है कब आपको दूध पिलाना है कब आपको खेलना है और धीरे धीरे आप सीखते सीखते एक दिन क्या होता है बड़े होते जाते हो और आप देखते हो कि आपके किस तरह से बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं Now, little boy blue, please blow your nose. It drips like a faucet and sprays like a horse. Your brother and sister are getting upset, so please blow your nose. Cows, you are getting them wet. तो बच्चों हंसना रोना बहुत सारी चीज़ें भगवान की पूजा करना खेलना सो डिड यू लाइक योर फर्स्ट स्कूल इतना इतनी सारी चीजें हमने अपने फर्स्ट स्कूल यानी कि हमारी फैमिली में सीखी सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड योर एल्डर बच्चों अब आपको क्या करनी है एक एक्टिविटी करनी है आपको नाम लिखना है और ड्रॉ करना है आपके फर्स्ट स्कूल यानी कि आपकी फैमिली की एक तस्वीर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है आपके नोटबुक में चलो अब कर लेते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सो क्लास थ्री ईवीएस वी आवर फर्स्ट स्कूल पहला सवाल है हु आर देयर इन योर फैमिली राइट द नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू आपके परिवार में कौन कौन है और उनके नाम क्या क्या है और आपका क्या रिश्ता है उनके साथ तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम यहाँ लिख लेना जैसे मैंने लिखा है अनीश ये पिता का नाम है ये मेरे पिता है इनके साथ रिलेशन क्या है ये पिता है सिमरन Simran is my mother. Kapil is my brother and Ramchandra is my grandfather. तो इस तरह से आपको अपने family members के नाम यहाँ लिखने हैं Now write the relationship. Write the relationship between any two members of your family, such as husband, wife, brother, sister, mother, daughter. तो यहाँ पर मैंने लिखा है name the two members of your family में यहाँ पे मैंने नाम लिखा है Anis और सिमरन और रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ है क्योंकि वो माता पिता हैं रामचंद्र और कपिल ये ग्रैंडसन सन और ग्रैंडफादर फादर हैं अनीश और कपिल यहाँ पे इनके बीच में जो रिश्ता है वो है फादर और सन का लुक एट द पिक्चर केयरफुली टू पर्सन इन द पिक्चर रिजेंबल्स ईच अदर हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड आप देख रहे हो इस तस्वीर में कि दो लोग एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं और ये ऐसा क्यों है ये आपको क्या इनके बीच में क्या रिश्ता है क्यों ये एक दूसरे से मिलते हैं तो हमने इस तस्वीर में देखा कि जो दो लड़कियां हैं इस पिक्चर में वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती हैं बिकॉज दे आर सिस्टर्स इज दे आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू वॉक यू टॉक स्माइल और इवन योर लुक्स विथ होम एंड हाउ बच्चों आपको बताना है कि क्या कोई ऐसी सिमिलरिटी है जो किस में आपके और आपके किसी फैमिली मेम्बर में हो चाहे वो किसी भी तरह से हो सकती हो या फिर ऐसा कभी आपने सुना हो किसी ने बोला हो कि आप अपने पेरेंट्स की तरह या अपने भाई की तरह बात करते हो उसकी तरह चलते हो आपकी स्माइल उसकी तरह है या फिर आपके लुक्स उसकी तरह है तो किसके साथ ऐसा संबंध है कि आपका किसकी तरह आप लगते हो और कैसे so my walking resembles with my father i walk in my in small steps just like him my voice resembles with my grandfather i talk in a soft voice like him now think and write when i am sad i go to my mother when i want to know about the past i go to my grandpa फा मदर सो जब मुझे पास्ट के बारे में जानना होता है आपको भी जानना होता होगा बच्चों तो आप कहाँ जाते हो अपनी ग्रैंड मॉम के पास जाते हो क्योंकि हमारे ग्रैंड मदर को पता होता है पास्ट के बारे में क्योंकि वो हमारे घर के ओल्डर पर्सन होते हैं वैन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई सिस्टर जब मुझे कुछ अपनी सीक्रेट बातें बतानी होती है शेयर करना होता है तो मैं अपने सिस्टर के पास जाना पसंद करती हूँ या करता हूँ मैन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई फादर जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने फादर के पास जाता हूं तो बच्चों आपके परिवार में आपकी बहुत सारी बातें आपके किसी न किसी फैमिली मेंबर से मिलती होगी आपकी आंखें आपके बाल आपकी आवाज चलो आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं यानी कि वॉशरमैन का काम करते हैं परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो अपनी-अपनी तरह से कपड़े धोने सुखाने और इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं आओ बच्चों अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ते हैं अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं परिवार के सभी सदस्य जो है ना वो मिलकर अपने अपनी तरह से कपड़े धोने सुखाने और इस्त्री करने में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं अनवरी और उसका चचेरा भाई जो है तौफिक वो भी क्या करता है ये काम सीख रहा है क्योंकि अभी वो छोटे हैं बच्चों क्या आपका भी परिवार मिलकर कोई काम धंधा करता है यदि हाँ तो वो क्या है और आप किस तरह से उनकी मदद करते हो हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं अनवरी के चाचा उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखा उन्होंने सिखाया आपने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने बहुत कुछ उनसे जो जाना है क्या क्या सीखा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों एक छोटी सी बात है कि हर घर का अपना एक रिवाज होता है जैसे यहाँ बात करेंगे तो जूते बाहर उतार कर ही घर में आना ये सुरेखा के घर का रिवाज है लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहन कर घर के अंदर आ जाते हैं इससे सुरेखा के जो दादा जी हैं यानी कि उसके ग्रैंडफादर हैं वो बहुत नाराज़ होते हैं क्या आपके परिवार में भी कुछ ऐसे रिवाज हैं और ये कौन कौन से रिवाज हैं अपने आस पर उसको साफ रखने के लिए आप और आपका परिवार क्या क्या करता है क्या आपके परिवार में किसी की कोई खास आदत है जैसे जोर से हंसना खुश होने पर गाना गाना बच्चों आप परिवार के बड़ों की इज्जत कैसे करते हो अपने आसपास के लोग को देखकर क्या-क्या तरीके अपनाते हो बच्चों घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताने को कहो और सच मानो बच्चों अपने परिवार वालों के साथ हंसने गाना गाने इन सब तरीकों के बारे में बातचीत करने से आपको उनकी खासियत की भी पहचान अच्छे से हो पाएगी आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट रह गया बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना आपके सारे कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ और बच्चों अभी हमने सीखा कि हमारा जो पहला स्कूल है आवर फर्स्ट स्कूल इज़ आवर फैमिली हम बहुत सारी चीज़ें जो सीखते हैं अपने फैमिली से सीखते हैं अपने परिवार से सीखते हैं तो हमारी पहली पाठशाला हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है तो आज के लेसन से हमने ये सब सीखा तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक, तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग